जनपद संभल के चंदौसी में जिलाधिकारी संभल के आदेश अनुसार शहर में बढ़ते अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह ने पुलिस बल के साथ सीता रोड पर नानकचंद स्कूल से लेकर मोक्ष धाम तक सड़क किनारे स्थायी रूप से स्थापित विज्ञापित बोर्डो आदि को JCB मशीन से गिरवाकर अतिक्रमण भूमि को साफ करवाकर जनता को जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। वहीं इस अभियान में क्षेत्रीय लोगों ने कहीं कहीं बिना किसी वेद नोटिस के ही अभियान चलाने पर हल्की फुल्की नोकझोंक भी की, किंतु नगर पालिका प्रशासन ने उस ओर ध्यान न देकर अपने काम पर लगी रही। इसके साथ ही नगर पालिका ने केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत पॉलिथीन जब्तीकरण अभियान भी चलाया और दुकानों पर छापा मारकर पॉलिथीन जब्त की व चालान काटा। अतिक्रमण चलाया जाना है, अभियान कंटिन्यू रखना है, तो इसलिए जो है आज अतिक्रमण प्रारंभ फिर से किया गया। पहले भी हम लोगों ने बहुत अतिक्रमण का हटवाया है, लेकिन फिर भी वही बार बार जो है लोग पब्लिक बार बार अतिक्रमण करे जा रही है, इस पर अंकुश लगाना है और लगातार इसलिए अतिक्रमण अभियान फिर से चलाया जाएगा ताकि लोगों को पब्लिक को सुविधा उपलब्ध हो सके। यदि सड़कों पर लगे हुए जो बड़े बड़े बोर्ड थे लोहे के, वो आपने हटवाए हैं, इसी तरह से अभियान चलता रहेगा क्या कहेंगे इसमें? हाँ हाँ, आप जैसा कि देख रहे हैं ना कि अभी अतिक्रमण अभियान आज हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कल हमारा CO 83 से स्टार्ट होगा बदायूं चुंबी तक पूरा। तो ऐसी जो भी अतिक्रमण स्थायी अतिक्रमण है उसे हटाने की कोशिश है कि उसको पूर्णतः हटाया जाए।